ठीक है सर, ठीक है, ओके। बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों भिरावां को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करें ना सारे खैर खैरियत नाल होसो। दोस्तों अज दा व्लॉग शुरू करेंगे पे हैं रमज़ानुल मुबारक दा, मुबारक महीना जरा है ओ तकरीबन अपने अख्तताम को है और रमज़ान दा जनाब ठीक है तकरीबन एंड और असा काफ़ी सारे छुट्टियां तो बाद अज व्लॉग स्टार्ट करेंगे पे हैं। रमज़ान है तो सर बड़ी अजीब जी तरतीब रह गई है, नींद दफ्तर ही कढ़ाण वेंदे हाँ से कढ़ाण रूटीन इतनी खास कहना आई और दफ्तर बनना वाल बस अफतारी तरावी वगैरह और यह मसरूफियात रह गए और जिंदी वजह तो मैं व्लॉग नहीं कर सकिया। खैर सुस्ती की है, हालांकि सहरी अफतारी वगैरह दोस्तों के नाल बाहर भी प्लान बनते रह गए और लेकिन वाल भी मैं व्लॉगिंग जरा है वह छोड़ दी है रमज़ान के बिल्कुल छुट्टियाँ की। अज जनाब भाई गए हुए हैं कल तू फैसलाबाद मौलाना तारिक जमील साहब को उन्होंने कोल अफतार हा और उन्होंने जी फाउंडेशन है उन्हें वास्ते वो रात को ऑनलाइन मतलब लाइव आते हैं और फंड रेजिंग वगैरह करें दें तो उन्हें विच भाई ने भी शिरकत करनी है। भाई रात उतें ही रुक गए हैं, मौलाना के नाल ईद शो रिकॉर्ड करना है जरा ईद के उत्ते इंशाला चल से भाई दे पेज ते हाफिज़ अहमद ते ते भाई ने मेरे को आखे कि यार टीम आलिया ने आवने कैमरा वगैरह बाकी चीज़ा गिनते तो मैं आखे चलो मैं भी नाल वेंदा जनाब फैसलाबाद और हुण बस मैं घरों निकलता पिया ऑफिस वेसा ऑफिस तू वसीम वसीम भाई कैमरामैन वसीम सादा दूसरा बनी खान हमजा छोटा असा जनाब चार लोग इंशाल्लाह जरा गड्डी बाहे ते समान शमान अपना रखते रवाना थीसूँ फौरन फैसलाबाद वास्ते क्यों जो 10 बजे 10 मिनट ही थी गए 11 बजे तक असा ऑफिस तू निकलना है और इंशाल्लाह असा 1 बजे तक 1:15 बजे तक फैसलाबाद पहुँच वेसूँ ते तरावी तू पहले पहले वाल मैं वापस भी पहुँचना है ते बस रिकॉर्डिंग करते उतों भावें मैं पहले निकल आसा और बाकी दोस्त जे भाई दे नाल आवे सन गड्डी कढ़ेंदे और निकलदे आ ऑफिस वास्ते। व्यूअर्स क्यों जो गर्मी आ गई है और सिविक दे विच ए तुहानू शायद पता उसे कहना हन पहले हूँ जरा है ना मैं सिविक लवा के दिन क्यों जो बड़ा सुकून होंगे ए सी भी बड़ा जबरदस्त काम करें दे और धुप वगैरह भी नहीं पौंदी इंदी बड़ी आसानी रह वेंदी असल क्योंकि इकू अगा पिछा करना बहुत आसान है अगर वो जरे काले शीशे करवाऊँ तो उन्दे उत्ते वैसे ही चालान है और जरे हैं नो जालियाँ उकू लहावना उकू रखना वो बड़ा जरा है ना मुश्किल जहा काम लगते थे पहले यारिस को भी असा यहाँ लवाए हुए हैं हूँ स्पोर्टेज को भी बल्कि यहाँ लवाए हुए तो सिविक को भी यहाँ लवा के दिन हूँ बस जरा है ना घरों निकलता पे मैं और ऑफिस पहुंचते उन्हें को मिले दे लो जी व्यूअर्स असा पहुंच गए हैं ऑफिस और वीडियो बना कल शाम चलागा कल छुट्टियां जब पीर नो ठहरे दो दिन छुट्टियां इधर कुरान पाक सुना तेरे भाई कल तो छुट्टियां ने तेरियां कल तो छुट्टियां ने कल आखरी दिन है फिर असी हुन पीर नु आवांगे वापस दफ्तर सामान व्यूअर्स काफी ज्यादा होंगे साडा ते स्टैंड्स वगैरह काफी ज्यादा हैं कैमरास वसीम भाई भी आ गए वसीम भाई हमजा और वसीम बन्नी खान असा चार बंदे जरा निकलते पे हैं फैसलाबाद वास्ते आ जाएगा सारा सामान डिग्गी में व्यूअर्स सामान दे नाल जरा डिग्गी है ना बिल्कुल फुल थी गई स्टैंड असल बहुत ज्यादा है 6 कैमराज लावने होंगे बाकी सारा जरा सेटअप है वह जनाब असा राखी दे नाल हाँ भाई बनी खान कैसा है और एक अद्धी चीज़ मेरे ख्याल लाइट वगैरह पीछा रख दी है मैं जनाब चले सा गड्डी और अगू नाल एक बंदा बाहे वैसे दू पिछू बाहे वैसे इंशाल्लाह असा कोई 2 घंटे फैसलाबाद पहुंचते हैं टाइम थी गए 11:35 और असा पहुंच गए रावी टूल प्लाजा
बस हुण इत्थों असां जनाब मोटरवे दा सफर साडा शुरू थींदा पे। इंशाल्लाह असां कोई 1:30 बजे दे राउंड अबाउट फैसलाबाद पहुंच वेसू और अग्गा वल भाई साहब को लोकेशन भेज देसन। मौलाना दा जेड़ा फैसलाबाद वाला घर है उत्थे ही असां वंजणे, उत्थे ही साडी रिकॉर्डिंग है और बस उत्थे ही मैं ते सेटअप वगैरह लेसू इंशाल्लाह। हमजा साहब, बनी खान, वसीम भाई और मैं इन्हां दा ड्राइवर और असां हुण जनाब इत्थों मोटरवे तो रवाना थींदे पे। टाइम व्यूवर्स थी गए 12:55, 1:05 बाकी है और मेरा ख्याल है असा थोड़ी ओवर स्पीडिंग करते आए हैं। 11:35 ते असा रावी टूर प्लाजा ते हासे और तकरीबन 1:20 असा पहुंच गए हैं फैसलाबाद इंटरचेंज और बैलेंस कहनी एम टैग कैश लेने च वेने और कैश दे ते लोकेशन मैं जरा ला के ना और सीधा मौलाना दे घर पहुंचते हैं। असा पहुंच चुके हैं जनाब मौलाना तारिक जमील साहब की रिहाइश का फैसलाबाद वाली उन्होंने ड्राइंग रूम में असा आ चुके हैं। सामान सारा सारा जरा है असा चाह या गड्डी चू कटते और हुण जरा है बस सेटअप लावने उनकी तरतीब देते पे हैं कि बैकग्राउंड क्या आवे से, एक बैकग्राउंड ये आवे से, सिटिंग किमें थी से, कितना सैट लगने, क्या तरतीब हो से। भाई भी आवन वाले भाई थे करीब ही भाई का इन्हों की तरफ ही स्टे हा कल बाद भाई थे हैं और बस उतनी देर सैटअप भी लग वैसे और इंशाल्लाह उनके तो बाद बेहतरीन जहा ईद शो रिकॉर्ड थी वन वेंदा पे मौलाना तारिक जमील साहब के नाल। जब ऑफिस जाता हूँ तो तिलावत करता हूँ, वाली साहब का इंतकाल हुआ था 2015 और आसिम जी मीर साहब को भी रोजाना करता हूँ। उत्थे चले गया से मौलाना दे नाल असा जोहर दी नमाज अदा की थी और हुण जिहड़ा साडा सैटअप बिल्कुल बेहतरीन किस्म दा रेडी थी चुके जनाब। कैमरे शैमरे सैट इन और लाइट्स वगैरह बस ऑन करने, बुके वगैरह, फुल वगैरह और बैकग्राउंड बड़ा ज़बरदस्त किस्म की तमाम चीज़ा रेडी थी गन। हुण बस जरा है तकरीबन 5:45 बजे इंशाल्लाह 5:45 बजे तक पॉडकास्ट जरा वो शुरू थी वैसे और माएँ जरा है ये तो इतें ही रासन इबादत भाई दे नाल आसन बाकी दोस्त और माएँ हुण इत्थों कोई 1.5 घंटे च एक दफ़ा दोबारा मौलाना दे नाल मुलाकात करते वापस लाहौर वास्ते इंशाल्लाह सफर करे। सो लो जी व्यूवर्स, मैं तो रवाना थींदा पिया मौलाना दे घरों और इंशाल्लाह सीधा सफर करे सूं, रस्ते च किथे अफ्तार करे सां और उम्मीद है अगर मैं सुखे की तक पहुंच वाजा या वल कहीं बेहा रेस्ट एरिया पहले ऐसे उतों कोई खावन पीवन वास्ते कोई चीज़ा गिन गिन सूं और अफ्तार करे सूं और घर पहुँच वे सूँ इंशाल्लाह तरावी तू पहले पहले सफर शुरू करें। व्यूअर्स टाइम थी गए जनाब 6:05 और 6:50 ते रोज़ा अफ्तार थी वने
और मैं सुखे की कयामत आम जरा उतना तक कहना पहुंच सकता क्यों जो टाइम थोड़ा है तो इतना ही जरा फैसलाबाद और पिंडी भटियां जेरी मोटरवे है M4 इतना ही मैं रेस्ट एरिया ते रुक गया। इतना ही जेरी शॉप है सामने कैफे है इतू अफतारी वास्ते समान घिन गिन दे और वल अपना सफर शुरू करें दे हूँ वल सुखे की कहना रुकसू सीधा इंशाल्लाह लाहौर वाइन ते ब्रेक ले सू ते बस इतना जरा पहले अफतारी का समान घिन गया लो जी व्यूवर्स अफतार का सामान जरा वह घिन गिदे सैंडविच क्लब सैंडविच घिन गिदे शुआरमा मिल गए और रेड बुल और नाल एक स्ट्रॉबेरी जूस जनाब सफर शुरू करें जन हिन 15 मिनट अफतार थी वने च और रस्ते जरा आराम दे नाल किथे रुक वेसू या वल ड्राइविंग दे दौरान ही अफतार भी इंशाल्लाह कर घिन सू और सीधा पहुंचते हैं घर जनाब खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।